दोस्तों Redmi एक किलर स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है। Redmi K30 कमाल का स्मार्टफोन है। हर एक स्पेसिफिकेशन आपको इसमें भर भर के देखने को मिलता है और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में आएगा। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में Redmi K30 का ऐसे टॉप 10 रीजन बताऊंगा जिसके लिए आपको इस फोन का वेट करना चाहिए और ऐसे 2 रीजन बताऊंगा जिसके लिए आपको इस फोन का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वह गाइस इसका डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD प्लस काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट है वह गाइस 120 GHz मैक्स। जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, जो मूवी वगैरह आप देखते हो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो रीजन है वह गाइस इसका प्रोसेसर, यहाँ पे दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, जिसके वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और ये आएगा 16,000 रुपीस के आसपास। यहाँ पे आप PUBG, COD, Asphalt 9 आप हाई सेटिंग में खेल पाओगे। तो यहाँ पे अच्छा काम किया है Redmi। तीसरा जो रीजन है वही गाइस इसका डिजाइन, इसका डिजाइन कतई जहर है। मैं आपको क्या बताऊं, बैक साइड की तरफ देखोगे डुअल टोन कलर वगैरह देखने को मिल जाएगा, एक ग्लॉसी लुक मिलेगा। और दोस्तों इसका जो कैमरा पोजिशन है उसके चारों तरफ सर्कल दिया है, राउंड सर्कल, जिसके वजह से जो लुक है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और तो और दोस्तों फ्रंट साइड की तरफ दोस्तों डुअल सेल्फी कैमरा वो भी पंचोल दिया है, जिसके वजह से ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चौथा जो रीज़न है वही गाइस इसका डिस्प्ले प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग कोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है, जिसके वजह से अगर आपके हाथों से गिर जाए वगैरह फ़ोन तो आपके फ़ोन का जो टूटने का चांसेस वो कम हो जाता है। ऐसे भी दोस्तों जो कॉर्निंग कोरिला ग्लास 5 है वो फ्रंट साइड की तरफ दिया है और बैक साइड की तरफ भी दिया है। पांचवा जो रीजन है वही गाइस इसका कैमरा, बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जो प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ आता है, सोनी का सेंसर है। जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का वो दोस्तों अल्ट्रा वाइट लेंस है। जो थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रोन लेंस है। जो फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का वो दोस्तों प्रोटेक्ट लेंस या डेप्थ इनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। और सेल्फी में दिया है 20+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, तो पिक्चर क्वालिटी के बारे में शिकायत नहीं रखा है यहाँ पे Redmi। छठे जो रीजन है वही गाइस इसका बैटरी, 4500 mAh की बैटरी तो दिया है, लेकिन दोस्तों उसको फुल चार्ज करने के लिए 27W का फास्ट चार्जर सपोर्टेड दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और Redmi यहाँ पे बोला है कि 30 मिनट्स में 65% के आसपास या उसके ऊपर चार्ज करके दे देगा। सातवां जो रीजन है वही गाइस इसका UI, दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स MIUI 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि MIUI 10 से काफी इंप्रूवमेंट किया है। आपका जो यूज एक्सपीरियंस रहेगा वो MIUI 11 में काफी अच्छा रहेगा। आठवां जो रीजन है वही गाइस यहाँ पे आपको GPU टर्बो या MI टर्बो देखने को मिलता है या गेमिंग टर्बो 2.0, जिसके वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर से बेटर करेगा। यानी कि 730G तो दिया है, गेमिंग में कोई शिकायत नहीं रखा है, और तो और यहाँ पे GPU टर्बो भी दिया है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और भी बढ़िया मिलेगा। 9 नंबर में जो रीजन है वही गाइस यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 वायरलेस का टेक्नोलॉजी सपोर्टेड दिया है, तो यहाँ पे भी अच्छा काम किया है। 10वां जो रीजन है वही गाइस इसका स्टोरेज एंड प्राइस। दोस्तों जो 6GB 64GB बेस वेरियंट वो 16,000 रुपीज में चाइना में लॉन्च किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों 16,000 रुपीज के आसपास अगर इंडिया में आता है तो सबको किल करेगा, इसके आसपास कोई भी फोन टिक नहीं पाएगा, मेरी तरफ से कंफर्म्ड है। क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी दोस्तों मैं आपको ऐसे 2 रीजन बताऊंगा जिसके लिए आपको इस फोन का वेट नहीं करना चाहिए। जो पहला रीजन है वह गाइस इसका सिम स्लॉट। दोस्तों जो बेस वेरिएंट का मैं बात कर रहा हूं, 64GB स्टोरेज दिया है, लेकिन दोस्तों यहां पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं दिया है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है। और मुझे लगता है जब इंडिया में आएगा डेडिकेटेड सिम स्लॉट जरूर देगा, जैसे कि Redmi Note 8 में दिया था सेम। दोस्तों दूसरा जो रीजन ओहे गाइस, जब इंडिया में आएगा, फ्लिपकार्ट में आएगा या अमेज़न में आएगा, तब दोस्तों फ्लैश सेल देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2-3 सेकंड के अंदर वो गायब हो जाएगा, आप बुक नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा या Redmi को बताना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा स्टॉक लाया करो ताकि बहुत सारे लोगों को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं। ऐसे भी दोस्तों फ़ोन किलर
तैयार है, आप इसके लिए इंतजार कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।